माननीय जनप्रतिनिधि महोदय को अधिकार है, उन्होंने फसल बीमा के संदर्भ में भी बात करी, उसमें भी मैंने निवेदन किया कि अपनी जानकारी दुरुस्त करें, और इस संदर्भ में भी मैं उनको और जो उन्होंने आरोप लगाया है उस संदर्भ में सबको निवेदन करता हूँ सार्वजनिक तौर के ऊपर कि जिन्होंने आरोप लगाया वो जिस आधार जो मैंने आधार आप लोगों के बीच में रखा उनकी उस बात का वो आधार मेरे परिवार के आज दिनांक तक किसी सदस्य का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर केन एनर्जी या और किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी रोजगार या कोई भी ठेके के अंदर भागीदारी नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ ये बात सब जनप्रतिनिधि सार्वजनिक तौर के ऊपर जो भी स्थिति है वो स्थिति सार्वजनिक करें। मैंने किसी भी केन एनर्जी या किसी भी कंपनी को मेरे परिवार या मेरे से जुड़े हुए सदस्य के लिए, मैं पहले भी लोकसभा सदस्य के नाते भी मैंने वही बात रखी, आज भी वो बात वापस दोहराना हूँ कि बाड़मेर के नौजवानों का रोजगार पर अधिकार है। पहले जो व्यवस्था थी चाहे रोजगार के संदर्भ में चाहे CRS के संदर्भ में वो व्यवस्था वापस कायम करेंगे। ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाकर डाइवर्ट करने की जो प्रयास है उस आरोप प्रत्यारोप और डाइवर्जन से मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें सबको अधिकार है। उसके बावजूद भी आज तारीख जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस तारीख तक किसी भी मेरे परिवार के सदस्य का इस दरमियान कोई भी चीज़ें नहीं। क्या कोई दूसरे राजनेता केंद्र से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से? मैं मेरे बारे में बोल सकता हूँ, कई चीज़ें होती है, जैसे दिल्ली के अंदर पत्रकार महोदय ने किसी एक पद पर एक व्यक्ति के बारे में बात करी तो मैं मेरे बारे में बोल लिया, या जब तक मेरे को पूर्णतया जानकारी नहीं है ये मैं निवेदन सभी को कर रहा हूँ तो ये मेरे पर भी लागू होना चाहिए। आपने कोई भी दूसरा क्या हाँ कर वो मैं बिल्कुल अगर जो भी आपने खुद ने बोला कि भाई दूसरे हैं तो वो भी दूसरे भी क्लियर कर, कोई गलत चीज़ नहीं है, उनको परिवार के सदस्यों को अधिकार है। ये व्यवस्था के अंदर कोई भी अगर कोई पत्रकार कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई राजनेता के जनप्रतिनिधि के परिवार के अंदर अगर नौकरी करता है तो ये कानूनन तौर पर और व्यवहारिक तौर पर भी गलत चीज़ नहीं है, सबको अधिकार। और जब ये सवाल उठा तो सवाल आपने पूछा तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई है, अगर किसी को भी इसके विपरीत कोई भी चीज़ लगे तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे मैंने फसल बीमा योजना का कहना है अगर मेरे को बताई और कहीं ना कहीं अगर हुआ कि मेरी जानकारी में नहीं है कहीं होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगूंगा और जो भी दंड जो सूचना देने वाला होगा उसको सर मैं आज तारीख तक बात कर रहा हूँ। आप सरकार में इसको लेकर आप नहीं जितने बैठक के अंदर मुद्दे उठाते हैं उन तमाम बैठक के अंदर उठाए गए मुद्दे पर हम लोग गंभीरता से काम करते और अब जो अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं मेरी बात रखूं तो आपका अधिकार पहले है कि आप और इस जो अधूरी बात है उसको मैं विराम देता हूं, आप मुझे पूछ लो फिर मैं और आपको इसको शिकायत यही रहती है कि पुरानी बैठकों में जो बात तय हुई थी ये अगले बैठक में पूरा कर लिया जाएगा वो कभी पूरा होता ही नहीं है। ये सारे आपके पास ही बैठे जिला प्रमुख हर बार ये होता है कि पिछली बार ये हुआ था उसका क्या हुआ वो पेंडिंग रहता आगे फिर नया एजेंडा नई बातें आ जाती। नहीं जो मिनट कन्फर्मेशन होता है तो उसकी प्रोग्रेस का व्यवस्था और जब वो मिनट कन्फर्मेशन में उसके प्रोग्रेस से असहमति होती है वो वापस रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होती है, जब रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होती है उसके बाद भी सरकार उसको गंभीरता से लेती है। हमारे बाड़मेर की जो मुख्य समस्या है वो मुख्य समस्या समय समय पर और दूसरे रूप में भी आती है पर हमारी जो मुख्य समस्या है वो पेयजल के संदर्भ में रहती है, बिजली के संदर्भ में रहती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में रहती है, शिक्षा के संदर्भ में रहती है। उन तमाम जो चिंताएं और सुझाव जो जिला परिषद और दूसरे फोरम या कोई भी व्यक्तिगत तौर पर देते हैं उनको हम गंभीरता से लेकर उसके और हम लोग कार्य करते हैं। एक हम लोगों की कमी है कि जो ये एक मार्केटिंग का दौर चल रहा है उस मार्केटिंग के दौर के ऊपर कहना क्या विवाद खड़ा क्या करना
और मजबूत को मजबूती देना और कमज़ोर को और उसकी मार देना, उस सोच में हम काम नहीं करते। उदाहरण के तौर के ऊपर आज भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सब चिंतित है, आज बेरोजगारी के बारे में सब चिंतित है। ये विवाद, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दा का हल क्या है कि हम लोग रोजगार का सृजन करें, हम लोग अर्थव्यवस्था को ठीक करें। आज इस परिस्थितियों के अंदर भी आज एक सरकार तो ये कर रही है कि जो कॉर्पोरेट को फायदा मिला है उसको और अतिरिक्त फायदा दिया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके उनको और फायदा दिया जाए, और दूसरी सरकार जो पहले इस परिस्थितियों के अंदर थी वो क्या करती थी, जो रिसोर्सेज थी वो कोर सेक्टर के अंदर पंप करती थी, जिससे अर्थव्यवस्था भी ठीक हुई और रोजगार भी ठीक हुई। एक सरकार जो आंकड़े बेरोजगारी के छुपा रही है, नजरअंदाज कर रही है दूसरे तरह के आयोजन कर कर, और एक सरकार जो सार्वजनिक तौर के ऊपर जो कमियां थी वो बता रही है। आज जब हमारे लोगों के यहाँ रोजगार छिन रहे हैं, अर्थव्यवस्था चिंताजनक की स्थिति के अंदर है और बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं हाउडी मोदी जैसे, तो ये अपनी अपनी सोच, कोई तो कोई समस्या हुई उस समस्या को समझ कर और उसको एड्रेस करे, और कोई उससे ध्यान अलग करने के, ये अपना तौर तरीका है। राजस्थान सरकार और हम लोगों का हर समय सोच रहती है कि जो भी समस्या है उसको समझे, जितना यथासंभव हम लोगों से प्रयास है उसके अंदर हम सुधार करें।